कैसे हो? सब ठीक है। तो गाइस हम कढ़ाई मसाला बनाने की रेसिपी आपको बताने के लिए वीडियो देखिए। हमारा कैप्सिकम कटने को जा रहा है। अभी जब ऑनियन कटेगा तो इस तरीके से हम अंदर का निकाल लेते हैं इसका, तब जाके कटिंग होता है। तो गाइस बने रहिए लास्ट तक वीडियो, एंड तक देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप अच्छे से घर में कढ़ाई मसाला बना सकते हो। कढ़ाई मसाले में आप बहुत सारे चीज़ें निकाल सकते हो या बना सकते हो, जैसे कढ़ाई चिकन हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, कढ़ाई के डिशें बहुत सारे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा कढ़ाई कटिंग के लिए कैप्सिकम इस तरह से कट चुका है। कढ़ाई की कटिंग के लिए हमारा ऑनियन कटने लगता है, तो इस तरीके से ऑनियन कटना गाय। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और लास्ट एंड तक देखिएगा। तो इस तरीके से ऑनियन को काटा जाता है कढ़ाई की। तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। टमाटो इस तरीके से कढ़ाई कटिंग के लिए कटने को जा रहा है। तो गाइस बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस हमारा टमाटो भी कट चुका है, इस तरीके से कट चुका है। अब इसको वॉश करेंगे ताकि इसका बीज निकल जाए, गंदगी सारी निकल जाए। तो हम वॉश करने को जा रहे हैं गाइस। देखिएगा हम इसके बीज सारे बीज निकाल देंगे गाइस। वॉश करेंगे तो सारी गंदगी इससे निकल जाएगी। ये देखिए गाइस, इस तरीके से इसको वॉश किया जाए तो और बेटर बनेगा, जो इसके बीज हैं वो निकल जाएंगे। तो गाइस इस तरह से धोया जाता है, इसको साफ करके रहिए गाइस। हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम कढ़ाई की रेसिपी बताने के बारे में, आपको कढ़ाई मसाला किस तरह से आप अपने घर पर बना सकते हो और बहुत कढ़ाई इसमें गरीबियाँ और करने होते हैं वो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। गाइड गरीबी और टमाटर गरीबी किस तरीके से बनाया जाता है और क्या बोलते हैं मास्टर गरीबी किस तरीके से बनाया जाता है वो आप वीडियो में देख सकते हो। गाइड करने रहिए हमारे वीडियो पर और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टमाटो एकदम साफ करके धुल चुका है, इसमें एक भी बीज नहीं। ये साफ एकदम धुल चुका है हमारा कढ़ाई की कटिंग के लिए। टमाटो अब तैयार हो चुका है। तो हम कढ़ाई चढ़ा चुके हैं कढ़ाई मसाला बनाने के लिए। देखिएगा तो ऑयल ऐड करने वाले हैं। तो गाइस हम ऑयल ऐड कर रहे हैं कढ़ाई मसाले के लिए इस तरीके से, और थोड़ा सा कुक होने के बाद आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे आपको। थोड़ा ऑयल कुक हो जाए हमारा, हमारा कुक ऑयल हो चुका है अच्छे से। तो हम साबुत जीरा जो कि क्रश किया हुआ है उसमें थोड़ा सा तेजी में ऐड करेंगे। तो गाय साबुत जीरा डाल चुके हैं, खड़े साबुत मिर्ची डाल चुके हैं। अभी हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम थोड़े सा गार्लिक ऐड कर देंगे। गाइस देखते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस अब हम ऑनियन थोड़ा सा सोते करने को जा रहे हैं। देखिए गाइस अब हम इस तरीके से कुक करेंगे, थोड़ा सा सोते होने के बाद कम ऐड करेंगे। गाइस इस तरह से हम सोते करने को जा रहे हैं इसको। कढ़ाई मसाला बनाने की रेसिपी अच्छे से हम बताने वाले हैं। तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सोते हो चुका है और थोड़ा सा हम कैप्सिकम ऐड करने को जा रहे हैं। ये देखिए गाइस ऐसे इस तरीके से बनाया जाता है गाइस कढ़ाई मसाला।
गाइस, इसमें कढ़ाई चिकन सबसे बेहतरीन बन जाएगा आपका। ये मसाला कढ़ाई चिकन हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, बहुत सारे ऐसे डिशे हैं जो कि ये मसाला ऐड हो। तो गाइस ये भी सोते होने देंगे हम, ये भी हमारा सोते हो चुका है। अब हम टमाटर डाल देंगे गाइस, टमाटर जो कि काट के देंगे पहले ही। तो गाइस इसको भी हम थोड़ा सा सोते करेंगे। तो गाइस बने रहे हमारे वीडियो पर, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस इस तरह से कढ़ाई मसाला बन रहा है, सोते हो चुका है। हम मसाला ऐड कर रहे हैं जिसमें है सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला, किचन किंग, कस्तूरी मेथी और देगी मिर्च। तो गाइस अब इसको हम अच्छे से कुक करेंगे थोड़ी देर। गाइस अभी कुक हो रहा हमारा, इस तरीके से देखिएगा गाइस, अभी कुक होगा लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए गाइस अभी बनने को जा रहा है, इसमें मसाले ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा कुक करेंगे, कुक करने के बाद हमारा कढ़ाई मसाला एकदम रेडी हो जाएगा। बने रहिए लास्ट तक देखिए गाइस, हमारा फाइनली कढ़ाई मसाला इस तरह से बन चुका है। तो ध्यान दीजिए, आप भी अपने घर में इसी तरीके से कढ़ाई मसाला बना सकते हो। बनने के बाद कोई सा भी आइटम इसमें बना सकते हो, जैसे कि कढ़ाई चिकन, कढ़ाई पनीर, और भी बहुत सारे डिशे हैं। तो गाइस बने रहिए, अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। गाइस इस तरीके से बहुत अच्छे से कुक होके बन चुका हमारा कढ़ाई मसाला, यही है कढ़ाई मसाले की रेसिपी। तो गाइस बने रहिए हमारे वीडियो पर, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो गाइस बन चुका है इस तरीके से हमारा कढ़ाई मसाला, स्टॉक पर बना रहे गाइस। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, इस तरीके से बन चुका है गाइस हमारा कढ़ाई मसाला, देखिएगा गाइस। अब बन चुका है हमारा कढ़ाई मसाला।